बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ली पार्टी प्रवक्ताओं की क्लास। आखिर शाह ने प्रवक्ताओं को जीत का कौन सा मंत्र दिया है? इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इतने नहीं, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के ढीले पेंच भी कसने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए देश के सभी राज्यों के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों की क्लास ली जा रही है, ताकि अधिक से अधिक केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों के सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुँचाया जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक के दौरान अमित शाह ने 2014 से भी अधिक सीट जीतने का मंत्र दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने प्रवक्ताओं से कहा कि हमें 300 प्लस के लक्ष्य से 2019 के चुनाव के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव देश को जोड़ने वाली बीजेपी और देश को तोड़ने वाली विपक्ष के बीच है। प्रवक्ताओं को कहा गया कि वो जनता को समझाएं कि उन्हें देश को तोड़ने वाले या फिर देश को जोड़ने वाले दलों में से एक को चुनना है। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी प्रवक्ताओं को आर्थिक मुद्दों, मसलन पेट्रोल डीजल, रुपए की स्थिति, जीएसटी, नोटबंदी, अर्थव्यवस्था के विषयों के बारे में अपनी बात रखने के गुण सिखाए। साथ ही इन मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब दिया जाए, इसकी रणनीति भी बताई। वहीं पीयूष गोयल ने मोदी सरकार को पारदर्शी बताते हुए कहा कि सरकार के कामकाज में तेजी आई है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने केंद्र की पूर्ववर्ती सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ भी बताया। राफेल के मुद्दे पर विरोधियों के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टिप्स दिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।